हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो सच्ची जोगी के चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज बनाते हैं मलाई से मक्खन निकालते हैं घी। ठीक है, तो ये मेरे पास अप्रोक्स 7 से 8 दिनों की मलाई थी जिसको मैंने इकट्ठा किया हुआ था और फ्रीज में रखा हुआ था। आज मैंने सोचा कि चलो घी निकाल लेते हैं इनसे। उसके लिए सबसे पहले मैंने ये मिक्सर लिया, उसमें मलाई को डाल दिया सारी को। अब फिर मैंने थोड़ा सा गर्म पानी किया क्योंकि ये बाउल भी लगा हुआ था, ये अटता भी नहीं। तो गुनगुनाई किया था आधा गिलास के समथिंग। इसको अच्छे से बाउल को साफ कर देंगे और अब इसको हम डाल देते हैं मिक्सर में। तो यहाँ पे मैं पानी डाल चुकी हूँ आधा गिलास। अब थोड़ा सा हम चम्मच की हेल्प से इसको थोड़ा सा मिक्सअप कर देते हैं। ये हो चुका है मिक्स। अब इसको कवर कर देते हैं। और इसको रख देते हैं और ये हम यहाँ कर देते हैं मिक्सी को स्टार्ट। ये अब बीच में मैंने चेक किया तो अभी थोड़ी सी गर्मी आ चुकी है, तो इसको थोड़े ठंडे पानी की ज़रूरत है। तो इसके लिए मैंने डाल दिए इसके अंदर 3 से 4 आइस क्यूब। तो फिर से वही राउंड लगवाते हैं इसके। और जी अब की बार देखो घी निकल आया है। ये अब ठंडी चली गई है सर्दी, तो गर्मियों में अब इसको थोड़ी ठंडे पानी की बर्फ़ की ज़रूरत पड़ेगी, वरना ये पिघल जाएगा घी जो भी आएगा। ये देखिए अब आपको दिख रहा है ना, ये निकल चुका है घी। इसको अगेन बाउल में शिफ्ट करते हैं। ये 2 टुकड़ों में निकालेंगे, हम एक बार तो नहीं निकाला जाएगा। तो ये देखो मैंने इसमें भी आइस क्यूब डाले हुए हैं ताकि अच्छे से घी निकल जाए। दूसरी साइड एक बर्तन लेते हैं और इस बर्तन में भी हम थोड़ा सा पानी डाल लेंगे, जिससे जो इसके अंदर दूध वगैरह है वो अच्छे से अलग हो जाए। तो अब इस बर्तन में थोड़ा सा पानी डाल लाती हूँ मैं, फिर निकालेंगे घी को। तब तक इस जार को दूर रख देते हैं और इसको
निकालेंगे। ये देखो बिल्कुल नेचुरल लग रहा है, देसी घी। बाकी मैं ऐसे निकालती हूँ कि मैं नॉर्मली जितना भी दूध आता है घर पे उसको गर्म कर लेती हूँ सारे को, और फिर उसके ऊपर से मलाई निकाल लेती हूँ। तो ऐसे ही हमें निकालना है। अभी ये पूरा तो रेडी नहीं हुआ है, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती। क्योंकि अभी उसमें देखो उधर भी छाए, सॉरी दूध छाए तो थी ही नहीं, दूध मिक्स रहता है। तो उसको अलग करने के लिए हमें इसको बाद में गैस के फ्लेम पे रख के लो पे और अलग करना पड़ता है। पर वीडियो ज़्यादा ही बड़ी हो जाती है इसलिए मैं ये नहीं कर रही हूँ। मैं कभी नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी आपको, बट आप इसको ऐसे भी यूज़ कर सकते हो रोटी वगैरह चुपड़ने के लिए। ओके गाइज, बाय।